वेलकम अगेन गाइस इन अप एंड लर्न विद सन्नी। तो गाइस आज हम एक्सप्लोइटेशन का पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सैम फाइल डाउनलोड करेंगे। सैम फाइल्स में जो विंडोज़ होती है वो अपना पासवर्ड स्टोर करके रखती है, मींस जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है या और भी सारे यूज़र, उन सब का पासवर्ड इसके अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। मींस अगर हम उसे सिंपल ओपन करेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे कि उसके अंदर आखिर लिखा क्या है। तो हम उसे बाद में डिक्रिप्ट करेंगे काली लिनक्स से कि आखिर उसका असली पासवर्ड क्या है। तो फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इन्हें डाउनलोड करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ काली लिनक्स, ये मेरी विंडोज़ एक्सपी है गाइज। अगर इसमें आपको याद हो तो हमने इसमें ज़ेरविट नाम का एक टूल चलाया था जिसका पोर्ट नंबर था 3232। तो हम इसी को ही एक्सप्लोइट करेंगे। तो मैंने सिंपल ओपन कर रखे है पहले से ही। अगर आप उसे आईपी एड्रेस और पोर्ट और फिर index.html करके बैक जाओगे तो इससे आप किसी भी फाइल को बिना ऑथेंटिकेशन के डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ पे। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कई ओपन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बूट ini फाइल, मींस बूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं 192.168, यानी कि हमारा विंडोज़ एक्सपी का आईपी एड्रेस, उसके बाद पोर्ट 3232 स्लैश index.html क्वेश्चन मार्क एंड देन ये बैक के लिए होता है गाइस। तो हम इससे बैक जा सके, उसके बाद हम डालते हैं boot.ini देन एंटर। तो ये कुछ डाउनलोड कर रहा है index.html, तो इसे डाउनलोड कर ले। बाद में आपको इसका रीनेम करके boot.ini करना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस नेम में ले रहा है। इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको जो ज़ैम्प में फाइल ज़िल्ला करके एक फ़ाइल होती है वो डाउनलोड करती है करनी होती है, जो कि ये है फाइल ज़िल्ला %20 सर्वर, यानी कि ये वाली फ़ाइल गाइस। जो %20 होता है ये होता है स्पेस के लिए, जिन फाइलों में ये स्पेस होता है, यानी कि अगर आप देख सके तो फाइल ज़िल्ला के बाद स्पेस फिर सर्वर आ रहा है, तो स्पेस %20 के लिए होता है। जब आप इसे नेक्स्ट करोगे तो ये फाइल भी डाउनलोड करेगा सेम नेम से, लेकिन आपको सेव करना है, ये वहाँ पे अपने आप चेंज कर लेगा। index1 और इंडेक्स इन्हें ओपन कर लेते हैं ताकि इनका नाम चेंज कर सके। ओके, index1 है हमारी, रीनेम फाइल ज़िल्ला सर्वर .xml और हमारी ये पहली वाली इंडेक्स है boot.ini देन एंटर। ओके, उसके बाद आपको अब हमें करनी होगी सैम फाइल डाउनलोड, यानी कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है। तो अगर आप इसे देखो, आप इसे एंटर मारो तो ये फाइल नॉट फाउंड दिखाता है, हालांकि फ़ाइल है वहाँ पे, लेकिन विंडोज़ कुछ रेस्ट्रिक्शन यूज़ करता है इसके अंदर ताकि कोई भी ऐसे ही फाइल डाउनलोड ना कर सके। तो हम जो मेन फाइल है उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक और फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी रिपेयर सैम फोल्डर में। ये क्या होता है गाइस, जो विंडोज़ होती है वो एक्चुअली दो सैम फाइल्स बनाती है। पहली सैम फाइल्स होती है जो मेन फाइल्स होती है जिसे अभी हम डाउनलोड नहीं कर पाए, दूसरी फाइल होती है वो रिपेयर के अंदर होती है, ये एक तरह से बैकअप फाइल होती है, तो ये बैकअप भी स्टोर करता है। तो हम डायरेक्ट इस फाइल को डाउनलोड करेंगे अब। नेक्स्ट, इसमें कोई एरर नहीं आया है, सेव फाइल। उसके बाद हम एक और फाइल और डाउनलोड करेंगे जिसे सिस्टम फाइल्स, विंडोज़ के अंदर रिपेयर स्लैश सिस्टम देन एंटर एंड इसे भी सेव कर लेंगे। अब इन दोनों का हम फिर से रीनेम कर देंगे जैसे कि उनका क्या था, ताकि हमें पता चल जाए।
तो जो ये है हमारी फाइल, ये है सिस्टम फाइल, और ये वाली फाइल है, ये हमारी सैम फाइल। ओके, अब हमारे पास सारी फाइल आ गई है गाइज। अगर आप फाइलज़िला सर्वर को ओपन करोगे तो इसमें कुछ आपको इस टाइप में डाटा मिलेगा, जिसमें जो हमारा ज़ैम्प है उसके यूज़र नेम और पासवर्ड्स होंगे, लेकिन ये MD5 हैश में होते हैं, हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन हम इसे बाद में डिक्रिप्ट करेंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये XML फॉर्मेट में होते हैं। ओके, इन्हें ये रहा यूज़र नेम जॉन जो हमने डाला था, और पासवर्ड है कुछ ऐसा, हालांकि हमने सिर्फ पासवर्ड डाला था, तो ये इसने MD5 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसे भी हम बाद में डिक्रिप्ट करेंगे जब हम पासवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम कैसे पासवर्ड्स को इसमें से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उन्हें किस फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और भी मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को गाइज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। एंड गाइज़ मेरे चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, या जो हैकिंग सीखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।